दोस्तों कसोल के अंदर एक कैफे चलाने वाले मालिक और उसी के दोस्त को यमुनानगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि कसोल का कैफे चलाने वाला मालिक उसे यमुनानगर पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, दोनों आरोपी रहने वाले देहरादून के बताए जा रहे हैं, जिन्हें यमुनानगर के कलन और चौकी इंचार्ज प्रमोद वाली और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि कलन और नाके पर पुलिस को जब इनकी गाड़ी और इन पर शक होता है तो तलाशी लेने के दौरान गाड़ी में से इनकी 17.34 ग्राम हेरोइन का नशा जो है बरामद होता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी दोनों आरोपियों की। कलन और चौकी इंचार्ज प्रमोद वाली और उनकी टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग चुकी है। दोनों के दोनों आरोपी देहरादून के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक दोस्त जो निखिल है वो यमुनानगर में नहीं बल्कि कसोल के एक कैफे को चला रहा था और इसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए नशा लेकर जा रहा था। दूसरे दोस्त ने बोला कि यह नशा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मैंने अच्छी क्वालिटी के नशे के पैसे पे किए थे। तो दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त को दिलासा देते हुए बोला कि मैं इस नशे को जहां से लेकर आया हूं इसे जल्द से जल्द वहां से बदलवा कर तुम्हारे तक पहुंचाऊंगा। एक सफेद रंग की गाड़ी के अंदर दोनों आरोपी नशा बदलवाने की फिराक के लिए निकल पड़ते हैं और उसके बाद यमुनानगर के कलानोर हाईवे के पास से जैसे ही इनकी गाड़ी गुजरने लगती है तो नाकाबंदी के दौरान इंचार्ज और उनकी टीम को जब इन दोनों आरोपियों के ऊपर शक होता है तो शक के आधार पर इनकी जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो 17.34 ग्राम का जो नशा है वो इन आरोपियों से बरामद किया जाता है। ये है वो सफेद रंग की गाड़ी जिसमें बैठकर दोनों दोस्त इस नशे को बदलवाने के लिए जा रहे थे। अभी ये नशा कहां पर बदलवाने के लिए जा रहे थे नहीं पता, लेकिन यमुनानगर पुलिस के द्वारा अब देहरादून पुलिस के साथ संपर्क किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कसोल के अंदर जिस कैफे को चलाया जा रहा था उसमें नशे की सप्लाई की जा रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस कैफे के अंदर मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। लेकिन पुलिस जो है इस मामले में तफ्तीश करने में जुट चुकी है। दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके इसके तार कहां से जुड़े हैं, कहां से ये नशा लेकर आते थे और कसोल के अंदर या कहीं पर भी कहां कहां दोनों आरोपियों के द्वारा इसकी सप्लाई की जा रही थी। सफेद रंग की गाड़ी की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, यही है वो गाड़ी। आरोपियों का नाम निखिल और टोनी बताया जा रहा है, रहने वाले देहरादून के, लेकिन यमुनानगर पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपी कसोल के अंदर कैफे चला रहा था, लेकिन कैफे चलाने की आड़ में पता चल रहा है कि हो सकता है ये काफी समय से नशे को लगातार लोगों तक पहुंचाकर उन्हें मौत की चपेट में फंसा रहे हो। लेकिन पुलिस जो है अब इस मामले की तफ्तीश करने में जुट चुकी है और इसी के चलते कलन और चौकी इंचार्ज प्रमोद वालिया हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पूरा मामला उनसे जान लेते हैं, क्योंकि यमुनानगर के प्रमोद वाली और उनकी टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगते नजर आई है, एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। कैफे के मालिक को उसी के साथी सहित 17.34 ग्राम हेरोइन के नशे के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मेरी आप लोगों से अपील, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वालिया जी, दो आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया जिसमें से एक आरोपी कसोल का एक कैफे चलाने वाला मालिक है, क्या है ये पूरी जानकारी? ये कल हमारे को एक दोपहर को सूचना मिली थी कि एक NH 344 से एक गाड़ी है जो बोलो गाड़ी, उसमें दो व्यक्ति आ रहे हैं जो नशा बेचने का भी काम करते हैं और उसके दौरान हमने एक नाकाबंदी मारी। पहले से लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में NH 344 नाकाबंदी थी, जो मुखबर ने बताया कि गाड़ी का ये हुलिया है, उसके आधार पर हमने इसको वॉच किया। जो कुछ समय बाद वो गाड़ी आती दिखाई दी और हमने उसको रोक के काबू किया और उनकी तलाशी ली। जो उनकी पोजीशन से उनका नाम पूछा, जो नाम में एक निखिल डोरा और दूसरे का नवीन कुमार, जो अलग अलग इनसे हीरोइन बरामद हुई है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ करने पर पता है नवीन कुमार है, जो उसके खिलाफ़ पहले भी 3-4 FIR लॉज हैं एंडिकेस। तो कितनी क्वांटिटी पकड़ी गई है सर इनसे? इनमें टोटल दोनों से है 17.34 मिलीग्राम है। तो पता चला कहाँ से ये नशा लेकर आ रहे थे? इनसे पूछताछ चल रही है, जो अभी कोर्ट से भी रिमांड लेंगे जो पूछताछ करेंगे आगे भी जो तफ्तीश में आएगा। तो अभी जो इसमें से जिस आरोपी को आपने एक आरोपी को पकड़ा है निखिल को, वो कसोल में एक कैफे चलाता है, तो कैफे का इसमें क्या रोल है? कैफे का तो ये इसमें आज नौकरी कर रहा है अभी जी,
इसका ओनर नहीं है, ये नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है अभी। क्या कुछ इसमें सर पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा पता लगा कि इनके जो और साथी इसमें भी हो सकते हैं, ये कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई कर रहे थे, कितने टाइम से मैंने ये इस काम को अंजाम दे रहे थे? वो तफ्तीश का हिस्सा है जो इससे नवीन से पता किया, तो 2015 से ये कर रहे हैं जी। और ये दोनों काम करते हैं, ये बेचते भी हैं और फसल। तो वालिया जी, क्या आगे की कार्यवाही के लिए इन्हें रिमांड पर भी लिया जाएगा? यस।